हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाएंगे वॉल हैंगिंग, जो सुतली का बनाएंगे। हम सुतली हमने लिए 250 ग्राम। अगर आपको एक वॉल हैंगिंग बनानी है तो 250 ग्राम ही सुतली चाहिए, अगर दो बनानी है तो 500 ग्राम। हमने लिए 250 ग्राम सुतली, 3 कांच, छोटे सजाने के लिए कांच डेकोरेट, और आपके पास कुछ और हो तो आप उससे भी डेकोरेशन कर सकते हैं। 3 चूड़ियाँ, 4 चूड़ियाँ जो वेस्टेज हो आपकी कोई भी चलेगी, सीजर और फेविकोल। इस साइज के हम ये सभी रस्सी के टुकड़े कर देंगे। ये देखिए, हमने सब छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब हम सबसे पहले चूड़ी लेंगे और जो हमने 6 बड़ी साइज की रस्सियाँ निकाली थी उसे यूज़ करेंगे। अब हम चूड़ी लेंगे, उसमें हम इस तरह से रस्सी डालेंगे, इस तरह से हम 6 रस्सियाँ डालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये देखिए, अगर एक ही डायरेक्शन में डालेंगे तो इस तरह से आने चाहिए, नहीं तो उल्टा और सीधा हो जाएगा। ये देखिए, हमने 6 रस्सी डाल दिए। अब इसे टाइट करके हम इसकी चोटियाँ बना देंगे, जैसे कि 1, 2 और ये हटा के ये 3। ये देखिए, ये चोटी है। इस तरह से हमें लास्ट तक चोटी चोटी डालनी है। बस इसी तरह हमें ऐसी 4 चोटियां हमें बनानी है। ये देखिए, हमने हमारी ये 4 चोटियां रेडी कर चुके हैं। इसके आप 4 की जगह आप 6 भी ले सकते हैं, 2 और यहाँ पर ले तो और अच्छा लगेगा। अब हम इसे साइड में रख के ये 3 चूड़ियां लेंगे और इसमें इसे छोटी रस्सी लेके ऐसे सेम ऐसे जैसे हमने चोटी के लिए रस्सी डाली थी उसी तरह से हम ये पूरा पूरे चूड़ी में इसी तरह से डालेंगे। ध्यान रखें, अगर आप इस तरह से लेते हैं तो ऐसे ही लेना है और यहाँ से लेते तो यहाँ से ही लेता, कि ये हमारे एक जैसे दिखे। इस तरह से हम पूरी चूड़िया में डालेंगे। ये देखिए, ये हमने पूरा कर दिया, पूरा पैक कर दिया। इसी तरह से हमें 2 चूड़ियों में और ऐसे ही करना है, जैसे कि मैंने रेडी कर दिया है। ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए, इसीलिए एक ही डायरेक्शन में उसे डालना है ताकि एक जैसा दिखे। अब इसको हम इन 3 चूड़ियों में इस तरह से खोल देंगे। एक एक रस्सी को हमें इस तरह से खोलना है। ये देखिए, हमने सारी रस्सियां छोड़ दी है, ये इस तरह से एकदम बारीक। ये देखिए, इस तरह से हमने ये पूरी रस्सियां खोल दिए। अब इसके बाद हमें ये रस्सियां खोलनी है जो हमने खोल ली है। अब इसको भी और निकालना है, इस तरह से एक एक करना है, इसके सारे रेशे अलग अलग करने हैं।
ये देखिए हमारा रेडी है। अब इसके और रेशे निकालेंगे। जैसे हमने निकाल लिए हैं, अब इनको भी निकालना है। ये एक एक रेशे हमें इसके कर देने हैं। ये देखिए इस तरह से हम पूरे जो गठन है वो सब तोड़ देंगे। अब इस पर हम कंघा करेंगे। ये देखिए अब इस पर हम कंघा करेंगे। हल्के हल्के हाथों से कंघा करना है और ये बड़ी साइड से ही करना है। इसे अच्छे से बनाए ताकि सर्कल और स्क्वायर हम जो भी आकार इसे दे अच्छे से दिखे। इसी तरह से हमको इन दोनों को भी वैसे ही करना है। ये देखिए हमारा ये सर्कल रेडी है। अब हम ये चोटी लेंगे जिसमें हमने रोटी चोटी बनाई थी और इन तीनों को चिपका देंगे। जो प्रोसीजर हमने वो तीन चूड़ियों में किया था वही यहाँ पर करना है। जहाँ हमने ये गांठ बांधी है वहीं पर हमें ये इसके भी ये छोड़ देना है। सेम वही प्रोसीजर करना है जो हमने वो तीन चूड़ियों में किया था। ये छोड़ के ये खोल के फिर इसके और खोलना है। ये देखिए इतना हमने खोला, अब इसे और निकालना है। बस सेम वही प्रोसीजर करना है जो हमने वो तीन चूड़ियों के साथ में किया है। इस तरह से ये देखिए हमने सारी रस्सियाँ खोल दी है। अब इसे भी कंघा कर देंगे। बड़ी साइज से कंघा करना है। बस अभी हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अब हम इस चोटी के ऊपर जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी उसके ऊपर हमें ये फेविकोल से चिपका देना है। इस तरह से हमें तीनों भाग चिपका देना है। ये देखिए हमने फेविकोल से तीनों को चिपका दिया है। अब हम इस पर बड़े कांच लगाएंगे। बीच में जो हमारा गैप है उस पर ये कांच लगाएंगे। ये देखिए हमारे लगभग हमारी वॉल हैंगिंग रेडी है। कितना सुंदर दिखता है। देखिए अगर आपके पास में और कुछ डेकोरेट करने के लिए है तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये हमारी वॉल हैंगिंग रेडी है। बस एक लास्ट प्रोसेस है। अब इसे हमें शेप देना है।